आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। प्रदेश सरकार बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर लाखों खर्च तो कर रही है पर विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार करने के बाद सजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। ऐसा युवा घनसौर विकास खंड के ग्राम पंचायत दारोट कला में जहाँ प्राथमिक शाला के बच्चे डर में शिक्षा ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। घनसौर विकास खंड के प्राथमिक शाला दारोट कला का है जहां पर मासूम बच्चों की टूटी छत वाले जर्जर भवन में बैठ प्राथमिक शिक्षा लेनी पड़ रही है। बिल्डिंग तो आई थी मगर वो पूर्व सरपंच ने जो बिल्डिंग राशि निकाल चुका है उसका गबन कर चुका है इसलिए बिल्डिंग नहीं बनी। हाँ मैं अधिकारियों से संपर्क भी किया आवेदन भी दिया मगर उसका कुछ हल ही नहीं हुआ। कला के बच्चे सारे परेशान है जो खुले में कक्षा ले रहा है हमारे टीचर अब शासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कई बार लगा चुके हैं जिला कलेक्टर तक बात पहुंचाई जा चुकी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसका कारण यह नहीं कि इस प्राथमिक शाला का भवन नहीं है इस स्कूल के भवन में माध्यमिक शाला संचालित हो रही है। आपको बता दें कि माध्यमिक शाला भवन निर्माण के दौरान पूर्व सरपंच ने लाखों का गबन किया जिसके चलते भ्रष्टाचारी सरपंच जेल में है और भवन निर्माण अधूरा ही रह गया। सरपंच द्वारा दिए भ्रष्टाचार की सजा आज प्राथमिक शाला के मासूम बच्चों को कड़ी धूप कड़ी ठंड गिरते पानी में खुली छत के नीचे बैठ शिक्षा लेने को मजबूर कर दिया है। ऐसा ही नहीं इस स्कूल में चल रही अव्यवस्था की जानकारी जिले के आला अधिकारियों को नहीं है। ग्रामीण से लेकर पंचायत ने सभी अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की पर कार्रवाई के नाम पर इस स्कूल को आश्वासन ही मिला है। अब देखना होगा कि प्रशासन भवन निर्माण में कितना समय लगाता है या किसी घटना को घटने का इंतजार कर रहा है और जब वर्षा होती है तो फिर अंदर एक ही कक्ष में पहुंच जाती है पांच कक्षा एक साथ बिठा दी इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबर के लिए मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।